रामाबाद राहुल बिंदा शही वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا। الله سبحانه وتعالى نے سورة فاتحہ کے اندر पहले अपनी अजमत शान बयान फरमाया कि दुनिया में जितनी तारीफें होती हैं हकीकत में वो अल्लाह ताला की तारीफ होती है। मेरे शेख शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर में कि बंदा अल्लाह की तारीफ करे या अल्लाह बंदे की तारीफ करे या बंदा बंदे की तारीफ करे या अल्लाह खुद अपनी तारीफ करे। फिर सुन लीजिए, बंदा अल्लाह ताला की तारीफ करे, अल्लाह ताला अपने बंदों की तारीफ फरमाए, और बंदा कोई बंदा किसी बंदे की तारीफ कर रहा हो या अल्लाह ताला खुद अपनी तारीफ फरमाए। तारीफ की चारों किस्में सब अल्लाह के लिए खास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाम तख़सीस के लिए है। अल्लाह को कैसे पहचानो, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान का तरीका आगे बता दिया कि अल्लाह कौन है। रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला को पहचानने के लिए अर काफी नहीं है। इसीलिए सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया कि मखलूकात अल्लाह की रुबूबियत और परवरिश और अल्लाह ताला की मखलूकात में गौर करो, तफक्करु फी खल्किल्लाह, अल्लाह की मखलूक में तारीफ करो, अल्लाह की मखलूक में फिक्र करो, लेकिन ला तफक्करु फिल्लाह, अल्लाह की जात में फिक्र मत करना। फइन्नकुम लम तक़दिरू क़द्रह, अल्लाह को तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो, गैर महदूद जात को अपनी अक्ल की छोटी सी डिबिया में ला नहीं सकते हो। रिवायत में है कि सहाबी बदवी थे, आसमान के नीचे गांव में लेटने की आदत है, गांव में लेटे हुए थे, आसमान की तरफ देखा और ये कहा, या यूह समा व नजूम अन्ना लके रब्बन व खालकन, ऐ आसमानों ऐ सितारों, तुम्हारा कोई पैदा करने वाला है, कोई रब है और तुम्हारा खालिक है। अल्लाह हम बख्शिर ली, फिर उसने कहा ऐ अल्लाह हमको बख्श दीजिए। उसी वक्त वही नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने इस उम्मती को खुशखबरी सुना दें कि मैंने उसके इस इस्तदलाल तौहीद को कबूल कर लिया कि उसने मुझे किस तरह से पहचाना। अय आसमानों ऐ सितारों, तुम्हारा कोई पैदा करने वाला और रब है, अय अल्लाह हमको बख्श दीजिए। तो इस इस्तदलाल एक बदवी और देहाती के इस इस्तदलाल को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाकर उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं कि कभी तो ऐसे सितारे नजर आते हैं आपको या नहीं, बताओ, रातों में आप भी यही गुफ्तगू करके अपनी मग़फ़िरत का सामान कर लीजिए। अगर अरबी की इबारत याद न हो तो उर्दू में कह लीजिए कि ऐ सितारों ऐ आसमानों ऐ सितारों, तुम्हारा कोई पैदा करने वाला है और रब है, मतलब एक जुमला इसमें पोशीदा है कि वही हमारा भी खालिक, हमारा भी वही पालने वाला है, इसमें ये जुमला पोशीदा है। फिर अल्लाह मग़फ़िर ली, अल्लाह हमको बख्श दीजिए, इन अल्फाज में मग़फ़िरत का सामान है। शॉपिंग कर लीजिए, शॉपिंग आजकल बाजारों में सौदा खरीदते हो, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का सौदा खरीदो। इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने कबूलियत का असर, मग़फ़िरत का असर रखा हुआ। लिहाजा जब आसमान पर नजर हो, सितारे नजर आए, तो अब जो अरबी दा है मौलाना लोग वो तो ये कहते हैं या अय्युहस समाउ वन नजूम अन्न लकी रब्बन व खालिकन,
اے آسمانوں ستاروں تمہارا کوئی خالق اور پالنے والا ہے، اللہ مغفر لیے، اے خدا ہم کو بخش دیجیے، انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوقات میں فکر کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے خاص بندے اللہ کو جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، جب کروٹ بدلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ۔ آہ، یہ کیا معنی؟ عشق محبت سکھا رہے ہیں کہ عاشقوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کو یاد کرتے رہو۔ اگر مچھلی ایک سیکنڈ کے لیے دریا سے الگ ہو جائے گی تو مچھلی کی موت ہے، اگر تم ہم کو ایک لمحے کو بھول جاؤ گے انسانوں تو تمہاری موت ہو جائے گی، موت ایمانی ہو جائے گی۔ جانور تو زندہ ہے، تم بھی جانوروں کی طرح زندہ رہو گے، لیکن ایمانی زندگی تمہاری قائم نہ رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور میرے خاص بندے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرتے ہیں کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندر میں، پہاڑوں میں، اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں کہ کیا شان ہے اس کی۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی دنیا جس پر ہم آپ بیٹھے ہیں، 24,000 میل کا دائرہ ہے اور 8,000 کا قطر ایسے ہے، پہاڑ اور سمندر سب بھرا ہوا ہے، نیچے کوئی سپورٹنگ ستون پلر نہیں ہے، ایک کھمبا نیچے نہیں لگا ہوا ہے۔ وہ زمانہ گیا جب نانی اما کہتی تھی اور دادی اما کہ ایک بیل کے سینگ پر ہے دنیا، سال بھر میں وہ سینگ بدلتا ہے، تھک جاتا ہے بےچارا، سال بھر میں تھکتا ہے، پہلے نہیں تھکتا۔ اس کے بعد ایک سینگ سے دنیا کو اٹھا کر دوسری سینگ پر لاتا ہے تو بھیا پھر زلزلہ آ جاتا ہے، یہ ہماری دادی بتایا کرتی تھی۔ لیکن اب وہ زمانے ختم ہو گئے، سائنسی دور نے بتا دیا کہ اتنی بڑی دنیا کے نیچے کوئی ستون نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ اتنے بڑے مالک ہیں کہ جو زمین کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو بغیر تھونی کمبا قائم کیے ہوئے ہیں، تو اس کا وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کی دل کو دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کو دین پر قائم نہیں رہ سکتے، مگر چاہتے ہیں کہ فریاد کرو تب دیں گے، مانگنے کا انتظار ہے وہاں۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایت بخاری شریف یہ دعا سکھا دی، یوں کہو اللہ سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے میری ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آپ کے یہاں ہوتی ہے تو کون سی دعا زیادہ پڑھتے ہیں؟ آپ کے یہاں جب رہتے ہیں، ہماری ماں ہیں، آپ کی بیوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں جب باری پر کیا پڑھتے ہیں زیادہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں کثرت سے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل کو دین پر قائم رکھیے۔ تو جو مانگے گا اس کو دیں گے، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام، اور ناز و نخرے کرے جو میں آشام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام۔ جو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتے ہیں۔ اس لیے وہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی استقامت خطرے میں رہتی ہو، کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی توبہ توڑتا ہے، چند دن تو مستقیم رہتا ہے، بعد میں ٹیڑھا راستہ گناہوں کا، ایسے شخص کو یا حیو یا قیوم پڑھنا چاہیے۔ اس میں اسم اعظم ہے کہ اے زمین اور آسمانوں کو سنبھالنے والے، چھوٹا سا دل سنبھالنا آپ پر کیا مشکل ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی دعا، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، پڑھتے رہو، کثرت سے پڑھتے رہو۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کبھی پڑھتے ہیں، کثرت نہیں پڑھتے، اس لیے محرومی کا سبب یہ ہے۔ آپ بتاؤ کہ ایک گلاس پانی چاہیے، یا ڈاکٹر نے دوا بتایا کہ اس کو ایک تولہ یہ دوا پینی چاہیے، یا ایک گلاس اس کا شربت پلا دو ورنہ مر جائے گا، آپ ایک چمچہ پلائیں گے بچے گا؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہو کر کثرت سے اس کو پڑھتے تھے، تو ہم کو، آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ کثرت سے پڑھتے رہو، یا مقلب القلوب، بخاری شریف کی دعا ہے، اے دلوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم فرما۔ اور دوسری دو دعائیں برابر سکھاتا رہتا ہوں کہ جس شخص کو گناہ میں ابتلا ہے، جس شخص کو گناہ میں ابتلا ہے، یہ شخص خدا تعالی کی رحمت سے محروم ہے۔ اس لیے دعا یاد کر لیجئے، پھر یہ سکھا رہا ہوں۔
اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا مجھ پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی. اللہم ارحمنی بترک المعاصی، معلوم ہوا رحمت وہ ہے کہ جو ہم سے گناہ چھوڑا دے. معلوم ہوا جو گناہ میں مبتلا ہے یہ ظالم خدا تعالیٰ کی رحمت سے اپنی خباثتوں نالاقیوں سے اپنے کو محروم کر رہا ہے. اللہم ارحمنی، پڑھو بھائی، بترک المعاصی، اے خدا اپنی رحمت سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے. ولا تشقنی بمعصیتک، پڑھو، ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بدنصیب بدبخت نہ بنا. معلوم گناہ انسان کو بدبخت کرتے ہیں، بدنصیب کرتے ہیں، اور تقوی انسان کو اللہ کی رحمت کے گود میں لے جاتا ہے. اور توبہ کی سواری اس قدر تیز رفتار ہے کہ دنیا میں کوئی سواری، کوئی راکٹ ایسا نہیں ہے جو دم میں اللہ تک پہنچ جائے. لیکن معروفی فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکبس، مرکب توبہ عجائب مرکبس، توبہ کی سواری عجیب و غریب سواری ہے. تا فلک تازد، تا فلک تازد بیک لہجہ ز پست، ایک سیکنڈ میں آسمان تک اڑا کے لے جاتی، اللہ سے ملا دیتی. اور اسی وقت وہ بندہ جو خباثت سے اور گناہوں سے دور تھا اللہ سے، توبہ کے صدقے میں وہ دور ہی قریب ہوا اور محبوب بھی ہو گیا. التائب حبیب اللہ، یعنی الذی تاب کان حبیب اللہ، جو توبہ کرتا ہے فوراً اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتلائیے کہ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز؟ تو خراب چیز کو چھوڑنا اچھا ہے یا اس کو پالنا؟ بھئی گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ تو خراب چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ کر خوش ہونا چاہیے. بس ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بعض لوگ مخلوق کے سامنے، گناہ سے بچتے ہیں. دو چار دوست بیٹھے ہوں تو وہاں اس کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں یا نہیں، بتاؤ کیوں؟ کہ اس مخلوق میں میں ذلیل ہو جاؤں گا یا یہ مخلوق مجھ سے انتقام لے سکتی ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس خلوت و تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے اس وقت خدا اس کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو مخلوق زیادہ طاقتور ہے یا خالق زیادہ طاقتور ہے؟ تو بڑی طاقت کے سامنے تو گناہ کرتے خوف نہ لگا اور مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ رہا ہے. آپ سوچو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اتنی عظیم الشان طاقت آپ کے حجروں، کمروں میں ہے، کوٹھریوں میں ہے، کوٹھریوں میں. لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں گناہ سے بچتا ہے اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گنا عظیم الشان و عظیم القدرت ہے، وہ وہی ساتھ میں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، بندروں سے ڈر گیا اور شیر سے نہ ڈرا. اس ظالم سیاح کا ڈاکٹر جمعہ کو دکھلانا چاہیے. ایسا بے وقوف سیاح جو جنگل میں بندروں سے ڈر رہا ہو اور لومڑیوں سے ڈر رہا ہو مگر شیر کے سامنے سینہ تانے ہوئے، کیا ہوگا اس کا حال؟ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں صلوات و سلام نازل ہو. کیسی پیاری دعا سکھا دی، یوں کہو اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، پڑھیے اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے اللہ ہم کو ذلیل نہ فرما کیونکہ جس کوٹھری میں ہم گناہ کر رہے تھے وہاں آپ بھی موجود تھے، آپ ہمارے سارے آیت کو جانتے ہیں. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے خدا ہم کو رسوا نہ کرنا. مخلوق سے تو ہم چھپ گئے لیکن آپ اس وقت بھی تھے جب ہم گناہ کر رہے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، قربان جائیے کیا پیاری دعا ہے. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، پس تحقیق کہ آپ خوب جانتے ہیں جو ہم تنہائیوں میں، خلوتوں میں، کوٹھریوں میں، حجروں میں چھپ چھپ کے جو گناہ کرتے ہیں، اے خدا آپ وہیں ہوتے ہیں اور آپ اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ اور اپنی چشم کے آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن آپ کا کمال حلم و کرم ہے کہ آپ جلدی بدلہ نہیں لیتے، موقع دیتے ہیں کہ شاید اب توبہ کر لے، شاید اب توبہ کر. ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے، ہاں اللہم لا تخزنی فإنک بعالم، ولا تعذبنی فإنک علی قادر،
और आप मुझको अजाब से बचाइए, क्योंकि आप मुझ पर पूरी ताकत रखते हैं। जो चाहे कर दें, चाहे तो दम में कैंसर पैदा कर दें, चाहे तो गुर्दे बेकार कर दें, चाहे तो मोटरों से एक्सीडेंट करा दें, चाहे तो फालिज गिरा दें, इतनी बीमारियां पैदा कर दें कि चीख उसकी चीख से पूरा अस्पताल लरस जाए। मैंने बांग्लादेश में एक अस्पताल में देखा, उसका पेशाब बंद था, गुर्दे में दर्द था, इतना जोर से चिल्ला रहा था कि हॉस्पिटल के हदूद से दूर दूर तक आवाज आ रही थी। ऐ खुदा हम सबको बचा और हम पर हमारी नाफरमानियों की वजह से हम पर अजाब नाजिल न हो। ये दुआएं सीख लीजिए, पूछ लीजिए अगर इस वक्त। इसलिए अर्ज करता हूं कि एक छोटी सी किताबची डायरी साथ रखो और एक कलम रखो साथ में। ये तरीका तालिब इल्मों का है। अब कोई दुआ है, अब फौरन निकाला और नोट कर लिया। ये बुजुर्गों का तरीका है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं जा रहा था हकीउल उम्मत के साथ खानकाह से घर तक। रास्ते में हकीउल उम्मत ने कागज निकाला और पेंसिल निकाली। मालूम हुआ ये तरीका अल्लाह वालों का चला आ रहा है। हमारे आपके परदादा, आखिर उनके सल तरीके को हम क्यों नहीं सीखते। एक पेंसिल एक कागज आप हम भी साथ रखें। हजरत ने पेंसिल निकाला, कागज से कुछ लिख दी, कागज पर लिखा और फिर उसको जेब में डाल दिया और फरमाया मुफ्ती शफी साहब मैंने क्या किया। फरमाया हजरत आपने क्या किया। ये किया कि पेंसिल निकालकर कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। फरमाया कि देखो एक बात की याद आ रही थी कि भूल न जाऊं, दिल इसमें फंस गया था। अब दिल का बोझ मैंने कागज पर रख दिया और दिल को मैंने अल्लाह के लिए खाली कर लिया। तो दोस्तों एक कागज छोटी सी डायरी 2 रुपये की मिलती है। अगर आज आप इस वक्त जिद होती तो आप जल्दी से ये दुआ नोट कर लेते या नहीं। बोलो तालिब इल्म उस्ताद की हैसियत होती, जो वाज कहता है उसकी हैसियत उस्ताद की होती, वहां जल्दी से अपना नोट कर लो। अल्लाहुम्मा ला तुख्ज़िनी फ़इन्नका बी आलिम। ए अल्लाह आप मुझे जलील न फरमाना क्योंकि आप मेरे गुनाहों से बाखबर हैं। मखलूक से तो छुप गए मगर ऐ मेरे खालिक आप से हम कहां छुप सकते हैं, कहां छुप सकते हैं। वला तुअज़्ज़िबनी फ़इन्नका अलैय्या क़ादिर। और हमें अजाब न दीजिए कि आपको हम पर पूरी कुदरत है, जो चाहे सो कर दें। आप बताओ जमीन फाड़ दें और धसा दें, है अल्लाह को कुदरत या नहीं। दोस्तों जरत करने वाला, नाफरमानी पर जरत करने वाला, इसकी अक्ल पर अजाब है, कहर है, शैतान का नशा इस पर है। मौलाना रूमी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, अशराब कहर चू मस्ती दे। ऐ खुदा जिसको आप अपने कहर और अजाब की मस्ती देते हैं। नेसहारा सूरत हस्ती देहद, तो फानी इन मिट्टी की शक्लों में उसको पता नहीं क्या नजर आता है। नेसहारा सूरत हस्ती देहद, मुर्दे यही लाशें जो लाशें हैं, मगर इन्हीं के अंदर उसको पागल हो जाता है। क्यों देखा, इसीलिए देखना ही इसीलिए हराम है कि ताकि तुम पागल न हो जाओ। सूरतों को हुस्न देने वाले ने हुक्म दिया है कि मैंने इनको ऐसा जमाल और सूरत दी है कि खबरदार देखना मत वरना अकल तुम्हारी खराब हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का जिस पर अजाब होता है, ये कहर इलाही की अलामत है कि फानी चीजों से दिल लगा बैठे। और एक बात हकील उम्मत की याद आ गई, बार बार कहता हूं, जिस शख्स को अपने गुनाह पर परेशानी और नदामत न हो तो समझ लो ये अल्लाह ताला के अजाब में मुबतला है। जैसा कि इबलीस को आज तक शर्मिंदगी नहीं है, बताओ भाई इबलीस को नदामत है, इस जालिम को नदामत कहां है, आज तक उसको शर्मिंदगी नहीं है। लिहाजा गुनाहों पर परेशानी का होना ये अलामत अच्छी है। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो इंसान का जहर पेट में जाए और कह हो जाए तो समझ लो अच्छा हो जाएगा। तो गुनाह करके दिल में परेशानी हो जाए और रोने लगे तो समझ लो इसने कह कर दिया। आज तौबा तौर का पढ़ के अल्लाह से रोने लगे। तो दोस्तों ये मुनाजात मकबूल जो मिलती है यहां भी दस्तियाब है कुतुब खाने मजहरी से, इसमें 7 मंजिलें हैं। हर रोज की दुआ पढ़ लें तो ये सारी दुआएं आ जाएंगी। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, एक मंजिल रोजाना पढ़ लीजिए। मुनाजात मेरे शेख शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह 7 मंजिल रोजाना पढ़ती और सब जबानी याद। हम आप एक मंजिल भी अगर पढ़ लें तो बड़ी चीज है।
आप इंशाल्लाह रोजाना एक मंजिल पढ़ें, सब दुआएं याद हो जाएंगी। भाई साल छह महीने जब पढ़ोगे तो खुद ब खुद बगैर इरादा, अगर इरादा भी करो कि हम याद नहीं करेंगे, लेकिन आप छह महीने पढ़ के देखिए सब दुआएं याद हो जाएंगी, कुरान शरीफ की दुआएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमुदा दुआएं, इसका मामूल बना लो। जो शेख ने जिक्र बनाया उस पर अमल करें और एक पारा तिलावत कर लें, आधा पारा सही जितना हो सके, वरना 10 आयत तो तिलावत कर लें, वरना कयामत के दिन वाखदा होगा कि अल्लाह फरमाएंगे तुमने मेरा कलाम पढ़कर ताक में रख दिया था। कम से कम 10 आयत तो पढ़ लो भाई, एक मिनट का काम है, दो तीन मिनट, लेकिन अल्लाह वालों का काम ये नहीं है। आधा पारा पढ़ो भाई, एक पारा पढ़ो, एक पारा तिलावत कुरान शरीफ, आज एक मंजिल मुनाजात मकबूल, और जो शेख ने बताया है वो इंशाल्लाह महरूम नहीं रहेगा। इतना दिल में नूर आ जाएगा कि गुनाह करने की उसमें हिम्मत ही नहीं रहेगी। आप बतलाइए, एक साहब ने एक मेहमान से कहा इस कमरे में सो जाइए। उस कमरे में शेर का बच्चा मुंह उधर किए हुए कोने में बंधा हुआ था जंजीर में, लेकिन इतना फासला था कि शेर इसको खा नहीं सकता था। दूर बिछाया और जंजीर लोहे की जंजीर में शेर को बांधा हुआ था। रात को उसको पेशाब लगा, पैखाना और बाहर लेटरिन। अब जो उसने देखा तो शेर का मुंह इसकी तरफ था। शेर की आंखें अंधेरी रात में लाल अंगारा मालूम होती, सुर्ख अंगारा। बस उसने जो देखा, और टार्च भी थी, टार्च को भी जला के देखा तो पूरा शेर। लेटरिन जाने की जरूरत नहीं हुई, जो एक्सपोर्ट करना था वो वहीं चादर पर सब कुछ निकल गया, लेकिन भागा, हकता हुआ भागा, और फिर रात भर नहीं सोया वहां, और सुबह मेजबान से लड़ाई की कि तुमने तो मेरा हार्ट फेल कर दिया होता। मैं उसने कहा, अरे यार मैंने तो मजाकन किया था। उनका ऐसा मजाक शरण हराम है, ऐसा मजाक शरण हराम है कि जिससे मुसलमान का अजियत पहुंचे, घबरा जाए, खुदा न खास्ता हार्ट ही फेल हो जाता। लेकिन मजाकिया लोग भी अजीब होते हैं, देख लो पैखाना निकाल लिया, ये कोई मजाक है? ऐसा मजाक जैसे पैखाना आदमी निकाल ले किसी का। लेकिन मुझे ये मिसाल ये बतानी है कि एक शेर के डर से यह हाल हो गया, मगर शेर के पैदा करने वाले से तो नहीं डरता। मुझे रोना है अपने ऊपर भी, आप उन सब दोस्तों पर जो अल्लाह से नहीं डरते, मगर जल्दी तौबा कर लीजिए। जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ये, जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर। वो भी गिरा नहीं, जो गिरा फिर संभल गया। जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं, जो गिरा फिर संभल गया। जल्दी संभल जाओ दोस्त, पता नहीं कब बुला ले अल्लाह। ये न सोचो कल तौबा करेंगे परसों, उससे पहले भी मौत आ सकती है। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो रह जाए तकती खड़ी की खड़ी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमसे मेरी अजमतों के बाद और मेरी पहचान मखलूकात में गौर करो, मेरी परवरिश और रुबूबियत में आसमानों, जमीनों, सूरज और चांद, पहाड़ों और समंदरों में गौर करो कि मैं कितना बड़ा आजीम शान हूँ। यही हमारे अल्लाह होने की दलील है। मेरी मखलूक में फिक्र करो। हकीम उम्मत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फिक्र करने को मखलूक का लफ्ज नाजिल किया और जिक्र करने के लिए अपना नाम नाजिल किया। यस्कुरून अल्लाह नाजिल किया, ये तफक्करून फी खल्क समावात नाजिल फरमाया। तो इससे फरमाते हैं कि उम्मत मसाइल सुलूक, कुरान पाक की तफसीर बयान कुरान के हाशिए में हकीम उम्मत फरमाते हैं, इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह बराए जिक्र है, मखलूक बराए फिक्र है। अल्लाह बराए जिक्र है यस्कुरून अल्लाह, और मखलूक बराए फिक्र है। फिक्र बराए मखलूक और जिक्र बराए खालिक, फिक्र बराए मखलूक, जिक्र बराए खालिक। क्या उलूम है हमारे इन बुजुर्गों। और फिक्र से क्यों मना किया? इसकी इल्लत, इसकी इल्लत सरवे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, फाए तालीलिया है, फइन्नकुम ला तफक्करू फिल्लाह, अल्लाह के जात में मत सोचो कि वो कैसे हैं। फइन्नकुम ये फाए तालीलिया है, बस तहकीक की तुम, क्योंकि तुम लोग अल्लाह ताला को अपने अक्ल के डिबिया में और अक्ल के बर्तन में नहीं ला सकते हो,
अक्ल तुम्हारी महदूद, अल्लाह ताला की जात गैर महदूद, गैर महदूद को महदूद में कैसे ला सकते हो, जबकि महदूद अपने बड़े महदूद को अंदर नहीं ला सकता, गिलास सुराही को अपने अंदर नहीं ला सकता, सुराही अपने अंदर मिटके को नहीं ला सकती, मिटका अपने अंदर हौज को नहीं ला सकता, हौज अपने अंदर दरिया को नहीं ला सकता, दरिया अपने अंदर समंदर को नहीं ला सकता, जबकि सब महदूद है ये। जब छोटे महदूद बड़े महदूद को नहीं ला सकते अपने अंदर, तो खुदा ताला तो गैर महदूद है, हम महदूदों के अंदर कैसे आ सकते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, जैद अकबर इलाहाबादी ने, कि तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। इसीलिए अल्लाह ताला दिल में, अहलुल्लाह के दिल में आ जाते हैं, दिल में नजर दे देते हैं, वो अपने कल्ब की आंखों से अल्लाह को देखता है। लेकिन सबसे बड़ी नेमत मालिकी यौमिद्दीन के बाद अर-रहमान रहीम फरमाया कि मैंने तुम्हारी परवरिश रहमत से की है। शेख शाह अब्दुल गनी फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह कि माँ के पेट में एक लोहार अगर कैंची बनाता है, चाकू बनाता है, लोहा को आग में डालता है, फिर हथौड़ा मारता है, तब जाके चाकू बनाता है। लेकिन ऐ जालिमों, ऐ मुझको भूलने वालों, माओं के पेट में मैंने कितने हथौड़े तुम्हें लगाए, इस तरह से तुम्हें तरकीब और तरबियत की, ऐसा बनाया कि तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ और तुम्हारी माँ को भी एहसास नहीं हुआ कि कब आंखें बन रही हैं और कब कान बन रहे हैं, कब सीने में दिल रखा जा रहा है। तो हमारे शेख फरमाते थे अरहमुर राहिमीन की ये अलामत है कि तुमको किस तरह से पैदा किया और किस तरह से बनाया। मालिकी यौमिद्दीन फरमाया कि मैं मालिक हूँ, कयामत के दिन का मैं जज नहीं हूँ, जज कानून ममलकत का पाबंद होता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने कानून सल्तनत का और अपने कवानीन का पाबंद और गुलाम नहीं हूँ, मैं मालिक रहूंगा कयामत के दिन। अगर मेरे कानून से कोई बख्शा ना जा सका तो मैं अपने शाही रहम से माफ कर दूंगा। ये है मालिकी यौमिद्दीन का राज, जिसको शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह के बेटे ने फरमाया कि अर्श आजम के सामने लिखा हुआ है इन रहमती सबकत अला गजवी, मेरी रहमत और मेरे गुस्से में दौड़ जो हुई तो रहमत आगे बढ़ गई। शाह साहब लिखते हैं, कौन शाह साहब? शाह अब्दुल कादिर साहब, मुसन्निफ तफसीर मुजहुल कुरान और शाह वलीउल्लाह के बेटे, फरमाते हैं अर्श आजम पर अल्लाह ने क्यों लिखाया है? फरमाया है शाही रहम के तौर पर लिखाया है। इसका नाम क्या है? अस कबील मराहिम खुसरवाना, जरा उर्दू याद कर लेना, अस कबील मराहिम खुसरवाना, मराहिम जमा है रहमत की, अस कबील मराहिम खुसरवाना, ये शाही रहम के तौर पर लिखाया है कि अगर मेरा कोई बंदा कानून से ना बख्शा जा सका तो मैं अपने शाही रहम को महफूज रखता हूँ और उस शाही रहम से माफ कर दूंगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से जब कोई मुजरिम नहीं कानून से पास नजात पाता और फांसी का कतई सजा हो जाती है, अब आगे कोई अदालत नहीं है, तो शाह से और बादशाह से सुल्तान ममलकत से दरख्वास्त करता है, अखबारों में आ जाता है कि मुजरिम ने सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद फांसी की सजा सुनकर अब शाह से, क्योंकि आगे कोई अदालत नहीं है, लिहाजा ममलकत के सल्तनत के बादशाह से उसने रुजू किया है और शाही रहम की भीख मांगी है। तो अल्लाह ताला ने अपने शाही रहम की भीख को महफूज कर लिया है। आह, मालिक यौमिद्दीन का राज सुन लो, मालिक है वो, जज पाबंद होता है, मालिक पाबंद, मालिक को क्या है? अल्लाह की कजा अल्लाह के सामने महकूम है, कजा इलाही और अल्लाह का फैसला खुदा पर हुकूमत नहीं कर सकता है। अरबी का उनवान है कि खुदा आपकी कजा आपकी महकूम है, आप पर हाकिम नहीं हो सकती, इसलिए सूए कजा को हुस्न कजा से तब्दील फरमा दिया। तो फरमाया कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहो, कि हम आप ही के बंदे हैं, हम नफ्स शैतान के बंदे नहीं हैं, आपकी गुलामी करते हैं, मगर चूंकि नफ्स शैतान हमको दबोचे हुए है, हम जंगली सुअर में के मुंह में हैं और हिरण के शिकार का इरादा करने के लिए निकले थे, लेकिन झाड़ी से जंगली सुअर ने निकल लिया, अल्लाह तक पहुंचने का इरादा करके सुलूक में दाखिल हुए थे, मगर नफ्स के जंगली सुअर ने हमें खबीस गंदे अमाल में मुब्तला करके दबोचे हुए है और अपनी बड़े लंबे लंबे दांतों से वो जंगली सुअर हमें खा रहा है और हम दिल में सोच रहे हैं कि ऐ खुदा हम तो हिरण की शिकार के लिए चले थे, यानी आप तक पहुंचने के लिए, ये मुझको क्या हो गया। वहां रवि फरमाते हैं अंगूर खाने के लिए एक कीड़ा हरा चला, लेकिन जालिम एक पत्ता हरा हरा देखकर ये समझा शायद यही अंगूर है,
सारी जिंदगी उसको खाता रहा पत्ते को, अंगूर के दरख्त के हरे पत्ते को, और वहीं फन मर गया और कब्रस्तान बना लिया हरे पत्ते पर। अगर ये जालिम हरे पत्ते की रंगीनियों में मुबतला न होता, ये सर्फ नजर करता, अपनी निगाह की हिफाजत करके आगे बढ़ता तो अंगूर पा जाता। अगर हम मरने वाली लाशों से अपनी निगाहों को बचाकर आगे बढ़ जाएं तो हमें अल्लाह मिल जाए, मगर ये मुर्दा लाशों में नफ्स शैतान हमें मुबतला करके अल्लाह के कुर्ब के अंगूर से महरूम करना चाहता है। ये जो मजमून पेश कर रहा हूँ जलालुद्दीन रूमी का फारसी जबान में है, जिसको अख्तर आपके सामने उर्दू तर्जमा कर रहा है। लिहाजा आज से इरादा कर लो कि अंगूर के पत्तों पर जान नहीं देंगे, इन लाशों से, इन हसीनों से आगे बढ़ जाएंगे और हमें अल्लाह के कुर्ब का अंगूर नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम क्या है, इसका बदल सिरातल लजीना अनमता अलैहिम है, यानी ऐ अल्लाह जिन पर आपने इनाम नाजिल किया, जो आपके प्यारे बंदे हैं, इनका रास्ता दिखा। ये अल्लाह ताला नाजिल फरमा रहे हैं कि सीधा, लिहाजा आज से इरादा कर लो कि अंगूर के पत्तों पर जान नहीं देंगे, इन लाशों से, इन हसीनों से आगे बढ़ जाएंगे और हमें अल्लाह के कुर्ब का अंगूर नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिरातल मुस्तकीम, इसका बदल सिरातल लजीना अनमता अलैहिम है, यानी ऐ अल्लाह जिन पर आपने इनाम नाजिल किया, जो आपके प्यारे बंदे हैं, इनका रास्ता दिखा। ये अल्लाह ताला नाजिल फरमा रहे हैं कि सीधा रास्ते का ख्वाब मत देखना खाली किताबों से, सीधे रास्ते का ख्वाब मत देखना असबाब दुनियाविया से, सीधा रास्ता वही है जिनको मैंने इनाम से नवाजा, जो मेरे मुकर्रब बंदे हैं। अब इनाम क्या है कि लिफ्टन के बंगले नहीं, कबाब और बिरयानियां नहीं, इनाम क्या है? उलाएक लजीन अनमल्लाह अलैहिम, मैंने जिन पर इनाम नाजिल किया वो इनाम क्या है? मिनन नबीन, जिनको नबूवत अता की, व सिद्दीकीन, जिनको अपना सिद्दीक बनाया, व शोहदा, जिनको जामे शहादत नोश करने का शरफ बख्शा, व सालहीन, जिनको नेक व साले बनाया। तो नबूवत, सिद्दीकियत, शहादत और सालिहियत, चार नेमतें जिनको हैं उनका रास्ता मुराद है, उनसे ताल्लुक करो। वह सुना उलाए का रफीका, आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि ये बेहतरीन रफीक हैं। जुमला खबरिया सूरत अम्र में है, यानी खबर है तो खबर मगर अंदर इंशा पोशीदा है। क्या मतलब कि जब तुम अल्लाह इन अल्लाह वालों को, इन इनाम याफ्ता लोगों को अपना रफीक बनाओगे, अपना साथी, तब जाके तुमको खुदा मिलेगा और सिरात मुस्तकीम मिलेगा। ये अल्लामा नसीफी ने, महमूद नसीफी ने तफसीर खाजी में लिखा है कि यहाँ हसना उलाए का रफीका क्या है, ये माने में अफाल ताज्जुब के है, यानी मा हसना उलाए का रफीका, क्या ही प्यारे ये रफीक है। सुभान अल्लाह, ये हसना माने में मा हसना के है, मा हसना वासिन बेही, मा अफला वासिल बेही, दो सीधे अफाल ताज्जुब के हैं। क्या मतलब? सुभान अल्लाह, कैसे प्यारे ये लोग हैं अल्लाह वाले। क्या मतलब? खाली खबर है। अगर आप मेहमान से कहें कि आज मेरे यहाँ गर्मा गर्म कबाब तैयार है, तो क्या मेहमान इसको खाली खबर समझेगा या आप दावत भी समझेंगे? अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं कि मेरे मकबूल बंदों को मैं दावत देता हूँ, जल्दी से इनको अपना साथी बना लो, मगर उसमें हुस्न डालना, हुस्न हसोना उलाए का, हसीन रिफाकत अख्तियार करना, हसीन रिफाकत, हसीन साथ होना जब होता है जब इत्तबा भी हो, उसके मशवरे पर अमल भी किया जाए। वो हसना रफीका से महरूम है जो शेख के बताए हुए तरीकों से अलग नफ्स के कहने पर अमल करता है। तो सिरातल लजीन अनमत अलैहिम को अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जितने अल्लाह वाले हैं ये सिरात मुस्तकीम के बदलुल कुल मिनल कुल हैं। इसका तीन नाम है इस बदल का, बदलुल कुल मिनल कुल, बदलुल मुताबिक, बदलुल मुआफिक। अल्लामा अलूसी ने इस बदल का नाम तीन रखा है, बदलुल मुताबिक, बदलुल मुआफिक, बदलुल कुल मिनल कुल, यानी सिरात मुस्तकीम पूरा पूरा अल्लाह वालों का रास्ता है। जिसने अल्लाह वालों का रास्ता ना इख्तियार किया वो सिरात मुस्तकीम से महरूम होगा। अब एक इश्काल इल्मी इस पर यह है कि तरकीब बदल में बदल मकसूद होता है, मुबदल मिनहु मकसूद नहीं होता। जैसे जा जैदुन अखूहु, यहाँ भाई उसका बदल है तो जैद नहीं आया, उसका भाई आया है, आया जैद यानी उसका भाई, यहाँ उसका भाई मकसूद है। तो इस पर इश्काल ये होता है कि जब मुबदल मिनहु कलाम में गैर मकसूद होता है और बदल मकसूद होता है तो इहदिन सिरातल मुस्तकीम मुबदल मिनहु है तो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के कलाम में क्या गैर मकसूद भी आ गया? जबकि मुबदल मिनहु मकसूद नहीं होता तो गैर मकसूद है। तो अल्लामा हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया
कि अल्लाह मुबतल मीनू में अल्लाह ने एक लफ्ज बहा दिया जो बदल में नहीं है, वो क्या है? मुस्तकीम, सिफत इस्तिकामत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुबतल मीनू में सिफत मुस्तकीम नाजिल करके और बदल में ये सिफत नाजिल न करके अल्लाह ने अपने कलाम में मुबतल मीनू को भी मखसूस बता दिया कि देखो सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम जो है ये मुस्तकीम सीधा रास्ता है, लेकिन ये सिफत मेरे मुबतल मीनू में है, बदल में नहीं है, लिहाजा बदल भी मकसूद है मेरा, मेरा मुबतल मीनू भी मकसूद है। लिहाजा उलमाए नुहात के कहने में मत आना, ये कानून मेरे बनाए हुए हैं, ये कानून साजी न हो कि मेरी अता है इनकी खोपड़ी की अकल में थोड़ी सी, लिहाजा कानून नफरी कोई चीज नहीं है। मैंने अपने कलाम में मुतलमिनों को मुस्तकीम का लफ्ज नाजिल करके मैंने उसको मखसूस बना दिया कि अब वो कलाम ही मकसूद है, क्योंकि उस सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम से कयामत तक किसी को पता न चलता कि ये अल्लाह वालों का रास्ता मुस्तकीम भी है या नहीं, सीधा भी या नहीं, वो मुतलमिनों में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया। ये कमाल बलागत है अल्लाह ताला की कलाम की कि अपने सारे दुनिया उलमाए नुहात, सारी कायनात के नहों के आलिम, कानून ग्रामर के आलिम हैरत ज़दा हो गए, अरब के उलमा भी कि अल्लाह अकबर, कलामुल्लाह की ये बलागत कि सारी दुनिया का इजमा है उलमाए नुहात का कि तरकीब बदल में मुबतल मीनू गैर मकसूद होता है, मकसूद बदल होता है, मगर अल्लाह ताला ने अपने कमाल बलागत से मुबतल मीनू में एक सिफत ऐसी नाजिल कर दी कि खुद मुबतल मीनू भी मकसूद हो गया। सारे उलमाए नुहात, सारी कायनात की मखलूकात खुदा के सामने क्या बेचती है, अल्लाह ताला के कलाम की बलागत के सामने दुनिया के फसाह और मुलगा क्या बेचते हैं, क्या हकीकत? इहदिन सिरातल मुस्तकीम और सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम, मुनअम अलैहिम का रास्ता यही बदल है, यही अल्लाह का रास्ता है। जिसने अल्लाह वालों का रास्ता ना पकड़ा वो सिरात मुस्तकीम नहीं पा सकता है। अब आगे है कि गैर मखजूब, मगर देखो ये हमारे अपने हैं, नबीन सिद्दीकीन शोदा सालीन, ये हमारे अपने हैं, लेकिन देखो गैरों से मत मिलना, मुनाफिकीन वाला काम मत करना। मुनाफिक काफिरों से भी मिलते थे और सहाबा से भी मिलते थे, लेकिन दिल वहां रखते थे, जिस्म वहां रखते थे, जैसे जिस्म कोई खानकाह में रखे और दिल दूरिया बाजार में रखे या अल फैशन स्टेट में रखे, इस शख्स को फायदा होगा शेख की सोबत से? जब जिस्म और दिल दोनों फिदा कर दो खानकाहों पर, अल्लाह वालों पर, देखो फिर अल्लाह ताला वो बागबान आपके दिल के अंदर वो बागबानी करेगा कि आप सारी जिंदगी उसका शुक्रिया अदा करेंगे। और ये मित्रा पढ़ेंगे, कागा से हंस की हो तो करत न लागी बार, हम तो कौवा थे भूख खाते थे, अरे मेरे शेख आपने कागा से मुझे हंस चूल्हा बना दिया, कि हम जिक्रुल्लाह के मोती चुनते हैं और तहखाने और तमाम गंदे कामों से अल्लाह ने पाक कर दिया। कागा से हंस की हो और करत न लागी बार, भीखा मोहाली पर वारियां दिन में 100-100 बार, ए भीखा शाह अपने शेख शाह मोहाली पर 100-100 बार कुर्बान हो जा कि जिसने अपनी करामत से तरबियत से उस जैसे कौवा को हंस कर दिया। मगर दिल भी पेश करो भाई, जब बाग न पेश करोगे तो बागबानी कैसे होगी? अगर दिल के अल्फस्टन स्टेट में है तो दिल कहाँ पेशी आप है, जिसमें नमाजी जाहिरी अमाल आ जाएंगे, मगर दिल तो जब बनेगा जब दिल भी अल्लाह वालों पर फिदा किया जाए, दिल भी खानकाहों में रखा जाए, जिसमें तो खानकाहों में हो और दिल जाहों में और बाहों में हो, तो कैसे उसकी जीम निकालेगा शेख, जहां की और बाह की देर कैसे निकालेगा? वो तो अबे तबे है ये दिल इस वक्त। तो ये ज्यादातर मालूम हुआ, मेरे शेख फरमाते थे शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ताला ने अपनों को भी नाजिल किया, अनअमत अलैहिम जिन पर हमने इनाम नाजिल किया ये हमारे अपने, लेकिन गैरों का भी तस्करा कर दिया, गैर मखलूक जिन पर हमने गजब नाजिल किया, जो गुमराह लोग हैं उनसे खबरदार, उनको गैर समझना और उनके अमाल को भी गैर समझना, मुअज्जब कौमों के अमाल से एहतियात रखना। ये नहीं कि तुमको वो कौमें लूट मिलेगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम कहाँ है इस वक्त में, लेकिन जो उनके अमाल करते हैं गोया कि वो कौम लूत की मुअज्जब कौम से रابطہ रखते हैं। इसीलिए मुहद्दिसीन ने लिखा है, उलमा फरमाते हैं कि जो लोग जैसा गुनाह करते हैं उस तो जिस कौम में मुअज्जब में जो खसलत थी, आज की उम्मत भी जो उस फेल को करेगी, मुअज्जब कौमों के फेल को, तो उनकी उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा अगर तौबा न किया, इल्लम यतुब। इसलिए दोस्तों गैर मखज़ूम से मुराद
जिन पर अल्लाह ताला ने गजब नाजिल किया, और जो गुमराह लोग हैं उनसे भी बचो और उनके अमाल से भी बचो। ये मतलब है, ये नहीं कि बस वो हमसे दूर हैं और अमल उनका करते रहे। जिस फेल पर अल्लाह का गजब नाजिल है, जिस फेल से खुदा नाराज हो, बस उससे भी एहतियात करो कि वो मुअज्जब कौमों का वरासा है। हर गुनाह अजाब वाली कौमों का वरासत वो तरका है किसी न किसी कौम का। अब मैं सिर्फ सिद्दीकीन की शरह करके बस तकरीर को खत्म करता हूँ। नबीन के माने तो आप जानते हैं, मैं मुनम अलैहिम की तफसीर और शरह करना चाहता हूँ। मिनन नबीन, जिनको हमने नबूवत से नवाजा, मगर नबूवत का दरवाजा खत्म हो चुका और पैगम्बर जो है इख्तियारी चीज नहीं है पैगम्बरी, लेकिन राह पैगम्बरी पर चलना इख्तियारी है। शैतान नफ्स से कहने पर डिस्टम्बरी की रास्ता मत इख्तियार करो, राह पैगम्बर पे चलो, खाक हो जाएंगे कब्रों में हसीनों के बदन। अख्तर का शेर सुनिए, खाक हो जाएंगे कब्रों में हसीनों के बदन, इनकी डिस्टम्बर की खातिर राह पैगम्बर न छोड़। खुदा ताला हम सब को तौफीक, सूरतें बदलने वाली हैं, बस चंद दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। उस चांद से ताल्लुक करो जहां अंधेरा नहीं आता, उस सूरत से ताल्लुक रखो जो गुरू नहीं होता, वो अल्लाह ताला की निस्बत का नाम है। जिसको अल्लाह ताला ने निस्बत दे दी अपनी, वो खालिक आफ्ताब से वाबस्ता है, वहाँ सूरत गुरू नहीं होता। अल्लाह वाले हर वक्त मस्त रहते हैं अपने अल्लाह के कुर्ब के आफ्ताब से, हर वक्त रोशन रहते हैं और दूसरों को भी रोशन कर देते हैं, बशर्ते कि वो अपनी जमीन पेश कर दे। काश्त के लिए जमीन भी तो दे। तो नबीन तो आपने समझ लिया, शोहदा भी समझ लिया। शोहदा समझना आसान है, शहादत 70 साहबा एक ही दिन में शहीद हो गए वहद के दामन में, और बज़बान हाल हर जनाजे ने शेख रहा, बज़बान हाल उनके कूचे से ले चल जनाजा मेरा, जान दी मैंने दिन की खुशी के लिए, बेखुदी चाहिए बंदगी के लिए। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो शहद को हम वफा करते थे। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो शहद को हम वफा करते थे। सालिहीन के माने यही है, जो इत्तबा सुन्नत और इत्तबा शरीयत करता है वो भी साले है। मगर मैं इस वक्त सिद्दीकीन, क्योंकि सबसे ज्यादा औलिया अल्लाह का ऊंचा तबका है, मैं सिद्दीकीन का शरह करना चाहता हूँ, ताकि हम आप आज इरादा कर लें कि हमारा ताल्लुक मालिक करीम से है, तो सबसे ऊंची विलायत और अल्लाह ताला की ऊंची दोस्ती क्यों ना हम खुदा से मांगे। अपनी सलाहियत को मत देखो, क्योंकि करीम की तारीफ ये है, जो बेतून सलाहियत अपनी नेमत को दे दे। अल्लज़ी अल करीम हुआ, पहले करीम मालिक की शरह सुन लीजिए, करीम की चार तारीफ। अल्लज़ी योती बिदून इस्तेखाक वल मिन्ना, करीम वो है जो बिला जो नालायकों पर भी मेहरबानी कर दे। जैसे रमजानी से बादशाह ईरान ने कहा, कई सौ बरस पहले रमजानी मगसामी आए शाह ईरान, कई सौ बरस पहले का किस्सा है, उसने अपने मुलाजिम रमजानी से कहा, रमजानी मगसामी आए, ऐ रमजानी मक्खियां आ रही हैं। उसने कहा, हुजूर ना कसा पेशे कसा में आये, ना लायक लायक के पास आ रहे हैं। क्या जालिम ने जवाब दिया। तो जो करीम वो अल्लाह है जो नालायकों पर भी मेहरबानी करते, मांगो तो सही, जब वो कबूल कर लेंगे तो खुद औलिया अल्लाह के अखलाक और अमाल देना उनके जिम्मे हो जाए। मांगो विलायत सिद्दीकीन, ये अल्लाह हमें औलिया सिद्दीकीन में शामिल फरमा। जब अल्लाह कबूल फरमाएंगे तो अमाल सिद्दीकीन, अखलाक सिद्दीकीन, ईमान सिद्दीकीन, यकीन सिद्दीकीन, कैफियात एहसानिया लिस सिद्दीकीन, सब कुछ अल्लाह ताला के जिम्मे है। आप मांगो अल्लाह से करीम की क्या तारीफ, जो नालायकों पर मेहरबानी कर ले। अल्लज़ी होती बेदुल इस्तेखाक वल मिन्ना, और तारीफ सानी दूसरी तारीफ क्या है, अल्लज़ी अल्लज़ी यतफज़्ज़लु अलैना बेदुन मसलतिन वला वसीला, जो हम पर मेहरबानी करते बेदून सवाल और वसीले की। नंबर तीन, अल्लज़ी यतफज़्ज़लु अलैना वला यखाफ़ु नफ़ाद मा इंदहु, जो हम पर मेहरबानी कर दे और अपने खजाने के खत्म होने का ख्याल न करे, फिक्र ही न हो उनको, गैर महदूद खजाने वाले अल्लाह हैं। नंबर चार, अल्लज़ी यतफज़्ज़लु अलैना फ़ौक़ मा नतमन्ना बिही, जो हम पर इतनी मेहरबानी कर दे जो हमारी तमन्नाओं से भी ज्यादा हो। मांगो एक बोतल दे दे एक मशक, एक बोतल शहद कोई मांगे और करीम दे दे एक मशक शहद, अल्लाह ताला इस तरह से देता है। लिहाजा खुदा ताला से, जो नबूवत के बाद सबसे बड़ा दर्जा औलिया अल्लाह का है, आपसे अहद लेता हूँ कि हम सब मिलकर यही मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हम सबको, जो नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है,
औलिया सिद्दीकीन का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, कयामत तक खुला हुआ है, इसीलिए जमा नाजिल किया। अगर वाहिद होता तो लोग यही समझते कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों के बाद अब शायद कोई सिद्दीक न होगा, लेकिन वह सिद्दीकीन नाजिल फरमाया। मालूम है सिद्दीकीन वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन उस दर्जे के सिद्दीकीन बहुत से बनते रहेंगे कयामत तक। सिद्दीक की चार तारीफ सुन लीजिए। आप पूछेंगे भी औलिया सिद्दीकीन क्या होते हैं, क्या शान होती है, मैं शान सिद्दीकीन चार इबारत अल्लामा अलूसी की तफ़सीर रूहानी से पेश करता हूँ। सिद्दीक किसको कहते हैं, ताकि मांगने में मजा आए कि हमें कैसा बनना है, अल्लाह से मांगने में मजा आए कि अल्लाह हमको नस्बत सिद्दीकीन अता फरमा दे, औलिया सिद्दीकीन में शामिल फरमा दे। लेकिन अगर आपको सिद्दीक के माने नहीं मालूम तो दुआ में मजा आएगा? जैसे किसी नाबालिग बच्चे से कहो, 5-6 साल के बच्चे से गुल्ली डंडा या पतंग उड़ा रहा है, खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, तो उससे कहो कि मैं तेरी शादी कर दूं, वो कहेगा शादी में क्या होता है, कपड़ा मकान रोटी देनी पड़ती है, ऐसा बस अब आइंदा से बात भी नहीं करना। लेकिन जब बालिग हो जाए, पहचान ले, मार्फत हो जाए शादी की, फिर उससे कहो तो पैर दबाएगा, वो कहेगा कान में जरा जल्दी करना, देर न करना, भैया कहेगा आपको, अगर बड़े उम्र के हैं तो चाचा कहेगा, चाचा देखो जल्दी करना, देर न करना। तो मार्फत के बाद तलब बढ़ जाती है। मैं सिद्दीकीन के दर्जे की मार्फत पेश करना चाहता हूँ, चार मार्फत है उसकी। नंबर एक, सिद्दीकीन, तीन तारीफ। औलिया सिद्दीकीन कौन लोग हैं? सिद्दीक वो वली अल्लाह है, अल्लज़ी ला युखालिफु क़ौलहु हालहु। सिद्दीक वो है जिसके कौल में और जिसके हाल बातिन में फर्क नहीं होता, जो जबान पर है वही दिल में है। सिद्दीक वो औलिया अल्लाह है जिनका कौल और जिनका हाल बातिन यकना होता है, जितना ईमान उनकी जबान पर उतना ही उनके कल्ब में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुकाम सिद्दीकियत को शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मैं कयामत के दिन दोजख और जन्नत को देखूंगा तो मेरा ईमान एक जर्रा नहीं बढ़ेगा, उतना ही ईमान मुझे दुनिया में ईमान हासिल है। वह सत्ते सोहबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब तो यकीनन इज़ा रायतुन नार वल जन्ना यौमल माशर, दोजख देखूंगा कयामत के दिन, मजदक तो यकीन तो मेरे यकीन में इजाफा एक दर्रा नहीं होगा, उतना ही यकीन तो मुझे दुनिया में हासिल। शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम उम्मत थानवी को खत लिखा था, मेरे मुर्शिद शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद हकीम उम्मत थानवी को खत लिखा कि हजरत मेरा ईमान यकीन उस मकाम पर अल्लाह ने अता फरमाया आपकी गुलामी के सदक़े में कि जब मैं दुनिया की जमीन पर चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं आखिरत की जमीन पर चल रहा हूँ। और हजरत ने फरमाया इस अपने वक्त का सिद्दीक है, हजरत ने फरमाया मुकाम सिद्दीक। तो सिद्दीक का एक तारीफ ही अल्लज़ी ला युखालिफु क़ौलहु हालहु, सिद्दीक वो है जिसका कौल और काला उसके बातिन में फर्क न हो, जबान और दिल एक हो जाए। नंबर दो, अल्लज़ी ला यतग़य्यरु बातिनुहु मिन ज़ाहिरिही, जिसके बातिन में इतना जबरदस्त ईमान हो कि सारे आलम में जर्मन जापान लंदन की तमाम लड़कियां टेढ़ियां सामने कुछ भी हो, लेकिन उसका बातिन इतना कवी ईमान रखता हो कि जाहिरी हालात से मुतासिर न होता हो, मगलूब न होता हो कि क्या करें भाई, मरवत आ गई खानदान की वजह से, इसलिए वीडियो और फिल्म बनवा ली, टेप रिकॉर्डर का लगा था, गाना सुन गया, क्या कहें नहीं कहता हूं। वो मुअस्सिर होता है, गालिब होता है। बकौल हमारे शेख मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो, कोई महफिल हो, तेरा रंगे महफिल देख लेते हैं। जब लंदन की सड़क हो या कहीं भी जहां भी जाते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं। यही दलील है कि उनके दिल में अल्लाह है, जिसके सामने वो किसी कोई शेर का दोस्त लोमड़ी बंदर से डरेगा, सूरज का दोस्त सितारों से डरेगा, बस समझ लो अल्लाह के दोस्तों का क्या मुकाम होगा। नंबर तीन, पहली अलामत क्या है सिद्दीक की, कि जिसका काल और हाल एक हो जाता है, जबान और दिल एक। नंबर दो, जिसका ईमान इतना कवी होता है कि जाहिरी हालात से मुतासिर नहीं होता, किसी से नहीं डरता, सारा जहां खिलाफ हो परवाह न चाहिए, पेशे नजर तो मर्जी है जाना ना चाहिए, फिर इस नजर से जांच कर तू कर ये फैसला क्या क्या तो करना चाहिए क्या क्या न चाहिए। नंबर तीन, अल्लज़ी यब्दुलुल कौनैन फी रिज़ा महबूबी, सिद्दीक वो है जो दोनों जहान अल्लाह पर फिदा कर देता है, सिद्दीक वो है जो दोनों जहान अल्लाह पर फिदा करता है। कल मैंने अभी कुछ अरब के लोगों से पेश किया तो एक अरबी ने पूछा, अलजज़ायरी ने, कि मैं दुनिया तो फिदा कर सकता हूँ, फकैफ़ युफ़दी अल आख़िरा,
کس طرح فدا کر سکتا ہے انسان آخرت کو؟ میں نے جواب دیا کہ آخرت کو فدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرو اور جنت کو درجہ ثانوی میں کر لو. جنت کی لالچ میں نہ کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو اور جنت کو درجہ ثانوی میں کر لو. درجہ اولی اللہ ہو, بس آپ کو آخرت فدا کر دیا, جنت کو اللہ پر فدا کر دیا. اور دوزخ کے خوف سے گناہ مت چھوڑو, اللہ کی ناراضگی سے چھوڑو, خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے گناہ چھوڑو اور جہنم کو درجہ ثانوی کر لو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دوزخ اور جنت اور آخرت کو فدا کر دیا. تو اس عرب نے کہا سبحان اللہ, بہت خوش ہوا. تو یہ اور یہ میں نے کہاں سے حاصل کیا؟ پہلے تو حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے براہ راست, اس کے بعد دلیل مل گئی حدیث کی. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, اے خدا آپ سے تیری خوشی اور تیری رضا مانگتا ہوں اور جنت میں بعد میں مانگتا ہوں. جنت کو بعد میں بیان کیا, پہلے کیا مانگا سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, اے خدا میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت کو. بتاؤ جنت درجہ ثانوی کیا, اور اعوذ بک من سخطک, میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں, اور دوزخ سے, دوزخ کو درجہ ثانوی کیا, سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی کو بیان کیا. اس حدیث سے اختر نے یہ سمجھا کہ آخرت یوں فدا کیا جاتا ہے. بس صدیق کی آخری تعریف ہے, الذی یبذل الکونین, جو دونوں جہان خدا پر فدا کر دے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کوئی صاحب بیمار ہیں, جمیل اختر نام ہے ان کا, میرے کزن آج کی اردو میں لکھتا, یہ کزن کیا بلا ہے؟ کزن مانے اچھا, آئندہ سے بھائی ذرا اردو میں لکھا کرو. اللہ تعالیٰ ان کے خالہ جات بھائی کو صحت دے. زاہد صاحب جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دونوں ٹانڈے فریکچر ہیں دونوں ٹانگوں میں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اپنی رحمت سے. اور محمد صفدر فاروقی سخت علیل ہیں, اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اور کسی پر جنات کا اثر ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور بھائی ہمارے شیخ کے خلیفہ مولانا شاہ راؤ صاحب کے خلیفہ جناب صوفی غلام سرور صاحب لاہور میں, انہوں نے فون کیا ہے کہ میری بیٹی اسپتال میں داخل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے سلامتی اعضا, سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما, اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا. یہ دعا ہمارے لیے, بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, سارے دوستوں کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو تقوا کے راستے کو آسان بلکہ لذیذ فرما دے. اے خدا گناہوں کو چھوڑنا نہ ایک ہی آسان بلکہ لذیذ فرما دے, اور ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دے. اے خدا گناہوں کو چھوڑ کر ہم کروڑ کروڑ شکر ادا کریں, ایک شکر نہیں, جس گناہ سے آپ ہم کو نجات دے دیں تو اے خدا ہم اس عنوان سے شکر ادا کریں گے کہ اگر ساری دنیا کے ذرے ذرے زبان بن جائیں اور ساری کائنات کے ہر ذرے کی زبان سے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کریں تو ایک گناہ سے نجات کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اس لیے سارے گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دی, اور ہمیں اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرما دی, اختر کو بھی, اس کی اولاد کو بھی, اور میرے سب دوستوں کو بھی, اور میرے حاضرین دوستوں کو جو ہیں, اور ان کے غائبین گھر والوں کو بھی, اور میرے گھر والوں کو, اور حاضرات جو ہماری خواتین بیچاری آئی ہیں, ان کی کہتے ہیں ان کے لیے بھی, اور ان کے گھر والوں کے لیے, ان کے شوہروں کے لیے بھی, ان کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے, اے مالک دو جہان ہم آپ سے دونوں جہان کی بھیک مانگتے ہیں. دونوں جہاں کا دکھڑا اختر تو رو چکا ہے, اب اس پہ فضل کرنا, زیارت ہے کام تیرا. خواجہ صاحب کا شعر ہے, دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رو چکا ہے, اب اس پہ فضل کرنا, یارب ہے کام تیرا. واخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ. Thank you.